हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मुझे 3 टियर केक का काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस ऑर्डर को कैसे कंप्लीट किया। तो सबसे पहले मैंने लिया है ऑडी को बेक, जिससे मैंने अपने केक टिन को किया है लाइन, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 टियर केक बनाना है। तो सबसे पहले नीचे वाला केक टिन मैंने 7 इंच का रखा है, उसके ऊपर मैंने 5 इंच का केक टिन लिया है और उसके ऊपर मैंने 3 इंच का केक टिन रखा है। बटर पेपर को मैंने केक टिन के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और बटर पेपर यूज़ करने से आपका केक ईजिली डीमोल्ड हो जाता है, केक टिन पर चिपकता नहीं। चलिए बनाते हैं स्पॉन्ज। तो उसके लिए मैंने ले लिया है मोहन एम्पैक्स का वेनिला केक प्रीमिक्स। तो मुझे 2.5-3 kg तक का केक बनाना है, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे प्रीमिक्स यूज़ होने वाला है। तो चलिए अभी हम बैटर बनाते हैं। 3 टियर पर है और केक काफ़ी हाइटेड भी मैंने बनाया है और केक काफ़ी दूर भी जाना था, और केक को मैंने पैक कैसे किया है इतने हाइटेड केक को, वो भी मैंने आपको वीडियो के लास्ट में दिखाया, तो आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। सबसे पहले मैंने 3 कप प्रीमिक्स लिया है, पानी से बैटर बनाया है, ऑयल ऐड किया है, पाइनएप्पल एसेंस ऐड किया है, थोड़ा सा कलर भी ऐड किया है। और जो हमारा 3 टियर केक है, तो 2 केक हमारे पाइनएप्पल फ्लेवर के हैं और 1 को मैंने बटरस्कॉच रखा है। और जब तक मैं यहाँ पर बैटर बना रही हूँ, हमने ओटीजी को भी प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पर लोअर और ऑन करके 10 मिनट्स के लिए। और इस टाइम पर सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ ये हो रही है कि एक साथ मेरे पास 3-4 केक के ऑर्डर्स हो जाते हैं, तो यदि मैं ओटीजी अपना ऑन करती हूँ तो एक बार में ये सारे केक बेक हो जाते हैं। वरना मेरे पास ऐसा होता था ना कि 1 केक का ऑर्डर आया तो फिर 1 केक के लिए उतना सारा ओटीजी उतनी देर तक गर्म करना, तो मज़ा नहीं आता। तो कभी कभी मैं गैस पर भी बेक कर देती थी, और जब बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं तो फिर तो ओटीजी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारा बैटर डिवाइड कर दिया है केक टिन में, और 1 मेरा 1/2 kg का अलग से ऑर्डर है, तो साथ ही मैं उसको भी बेक कर रही हूँ। और जब तक आप बैटर बनाएंगे तो 10 मिनट्स में आपका ओटीजी भी प्री हीट हो चुका होगा। तो यहाँ पर अभी मैंने टाइमर दिया है लोअर ऑर्डर ऑन करके 180 डिग्री पर 40 मिनट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा केक किस तरह से धीरे धीरे परफेक्टली बेक हो चुका है, और अभी मैं आपको चारों केक चेक करके भी दिखा रही हूँ, बहुत परफेक्ट बना है। देखो आप, क्लीन भी आ रही है टूथपिक, मतलब आपका केक परफेक्टली बेक हो चुका है। और केक के ठंडा होने के बाद आप इसे डीमोल्ड कीजिए। बटर पेपर आप देख सकते हैं बहुत ईजिली निकल जाएगा, और इस बटर पेपर को मैं क्लीन करके अगेन अपने नेक्स्ट केक में यूज़ कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे तुरंत ही 2-3 केक और बेक करने हैं। हाँ, बटर पेपर में किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आती है, तो आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हो। पर हमारा क्रीम भी इतना सारा रेडी है, और आप देख सकते हो हमारा क्रीम कितना स्मूद है, बिल्कुल भी फटा फटा सा नहीं दिख रहा है, बहुत परफेक्ट वेप हुआ है। मैंने ले लिया है पानी, पानी में डाल दिया है थोड़ा सा पाइनएप्पल क्रश। तो हमारा शुगर सिरप भी रेडी है। अभी हम वही प्रोसेस में आपको बस 1-2 लेयर पर दिखा रही हूँ, और यही सेम प्रोसेस मैंने अपने बाकी 3 केक पर रिपीट की है। यदि आप बिगनर हैं और आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो यही एक तरीका है जिससे आप अपने केक को आइसिंग करेंगे। सबसे पहले स्पॉन्ज को शुगर सिरप से सोक कीजिए, फिर क्रीम की लेयर डालिए, फिर क्रश डालिए, फिर नेक्स्ट लेयर रखिए। अगर कभी ऐसा हो जाए कि स्पॉन्ज की लेयर आपको रखने में निकालने में आपसे टूट जाती है, तो आपको घबराना नहीं है, आप उस लेयर को भी अरेंज कीजिए। क्रीम लगाने के बाद ना सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। इसी तरह से मैंने 1 को बटरस्कॉच फ्लेवर दिया था और 2 को पाइनएप्पल दिया था, और क्रम कोट करके फ्रिज पर रख दिया था। फिर मैंने एकदम बेबी पिंक कलर की क्रीम बनाई है, और इससे मैं अपने 3 केक को फाइनल आइसिंग करूंगी। और कस्टमर ने जो फोटो भेजी थी, जैसा मुझे बनाने को कहा था, उस फोटो को मैंने इसी वीडियो के लास्ट में दिखाया है, तो आप मुझे वीडियो पूरा देखने के बाद जरूर बताइएगा कि मैंने वैसा बनाया है या नहीं। और ये देखिए, मैंने फटाफट से अपने 3 केक को आइसिंग कर ली है। मैंने बाकी सारे प्रोसेस आपको नहीं दिखाए कि फिर आप वही सब देख देख करके बोर हो जाओगे। अभी बारी आती है बहुत संभाल कर आपको केक को उठाना है और इस तरह से सेट करना है। ये 1 केक रखा मैंने और ये दूसरा भी रख दिया, और हमारा 3 टियर केक कुछ इस तरह से रेडी है। बहुत संभाल कर आपको करना है, यहाँ पर यदि आपने गलती की तो आपका केक गिर भी सकता है और आइसिंग भी खराब हो सकती है। अभी आपको इस तरह से 3 डॉवेल अटैच करने हैं ताकि आपका केक बिल्कुल भी यहाँ वहाँ ना हो और ऐसा ही स्टेबल रहे। मुझे यहाँ पर केक थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर से स्क्रेपर चलाया है, और मैं यहाँ पर इसे और भी ज़्यादा फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे लग रहा कि मैं और भी ज़्यादा बिगाड़ती जा रही हूँ। तो ऐसा मैं तब तक करती हूँ जब तक मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता कि हाँ, अभी केक में प्रॉपर फिनिशिंग आ चुकी है। फिर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि टाइम कम है और केक बिगड़ना नहीं चाहिए। फिर इस तरह से कुछ डिज़ाइन बनी हुई थी, तो मैंने एक नोज़ल लिया है पाइपिंग बैग में, और थोड़ा सा डार्क कलर की क्रीम बनाकर इस तरह का डिज़ाइन बना रही हूँ। जो फोटो कस्टमर ने भेजी थी उसमें भी ऐसा ही था, तो इसे हम 3 टाइम करने वाले हैं, और यही सेम स्टेप मैं अपने
टॉप टियर पर और बॉटम टियर पर भी करने वाली हूँ। केक हमारा जो नीचे है वो हमने बहुत लाइट पिंक कलर की क्रीम बनाई है, और इसके ऊपर अब जो हम डेकोरेशन करने वाले हैं वो हम सब कुछ डार्क कलर की क्रीम से करने वाले हैं। और जब हमारा केक बड़ा होता है ना तो टर्निंग टेबल का यूज़ करने में भी हमें बहुत डर लगता है, तो यहाँ पर मैं बहुत धीमे धीमे से टर्निंग टेबल को घुमा रही हूँ और इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ नोज़ल की हेल्प करके। आप चाहो तो बिना नोज़ल के भी एकदम पाइपिंग बैग को थोड़ा सा कट करके भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हो। अभी बारी आती है रोज़ेस बनाने की, क्योंकि उस केक में भी बहुत सारे रोज़ेस रखे हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने सबसे छोटा रोज़ नोज़ल यूज़ किया है। इस पर नंबर नहीं था तो मैं आपको नंबर नहीं बता सकती हूँ, तो कुछ इस तरह से मैंने घुमाते हुए रोज़ेस बनाया है लाइट पिंक कलर की क्रीम से ही। फिर जो हमारे पास डस्ट कलर आता है ना, तो मैंने पिंक कलर का एकदम हल्का हल्का सा डस्ट कलर भी इसके ऊपर कर दिया था। यदि आप बिगनर हो और आपसे रोज़ बनाते नहीं आता है तो आपको रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रोज़ बनाने की, तभी आपसे रोज़ बनाते बनेगा। जब बिगनर थी ना तो मैंने भी रोज़ रोज़ प्रैक्टिस की थी रोज़ बनाने की, तभी जाकर आज मुझसे कुछ इस तरह के रोज़ेस बनाते आ रहे हैं। और आप सबको एक बात बता दूँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी या फिर कोई आपका हाथ पकड़ करके आपको सिखाएगा तभी आपसे केक डेकोरेशन करते बनेगा रोज़ेस बनाते बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ना ही मैंने कहीं क्लासेस ली, ना ही मुझे किसी ने हाथ पकड़ कर सिखाया कि आप ऐसे रोज़ बनाओ। मैंने सिर्फ ऐसे वीडियो में देखते देखते ही खुद से सारी चीज़ें कैप्चर की है और खुद के हैंड मोमेंट से। देखिए, आपको ना कोई क्लासेस नहीं सिखा सकती है, आपको इम्प्रूव कर सकता है कोई तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस। आप क्लास में एक दिन देख करके आ जाओगे, बनाकर भी आ जाओगे, बट जब तक आप उस चीज़ को घर में 8 से 10 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपसे नहीं आएगा। यदि आप भी मेरी तरह एक होम बेकर बनना चाहते हो या फिर पढ़ाई के साथ साथ आप पार्ट टाइम कुछ अपना बेकिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है, तो आप इस तरह से कुछ केक के ऑर्डर्स लेना चाहते हो, तो बस आप वीडियोस देखते जाओ, सारी चीज़ों को कैप्चर करते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। और फिर यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कोई फीस नहीं देनी है, बस सीखना है, मन लगाकर चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है, गलतियाँ कहाँ हो रही है फिर उस गलतियों को सुधारना है। फिर मैंने साइड पर ये ना ब्लैक कलर की चोको चिप्स भी लगा दी है, कुछ लीव्स बना दी है फ्लावर्स पे, और ये चॉकलेट से ना मैंने 2 भी बना दिया था क्योंकि जिसका बर्थडे था वो सेकंड मेन बर्थडे था। नीचे मैंने बॉर्डर भी बना दी है, और केक कंप्लीट करने के बाद सिल्वर डस्ट ना करो तो फिर तो सब कुछ अधूरा है, तो सिल्वर डस्ट कर देने से केक में बहुत प्यारी सी शाइन आ जाती है, तो मैंने वो भी कर दिया है। छोटे छोटे से केक बनाने स्टार्ट किए थे और आज इतने बड़े केक बना रही हूँ, कस्टमर का रिव्यू बहुत अच्छा मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है वो मेरी फैमिली का हिस्सा ही है, और ये केक काफ़ी दूर गया था, तो जहाँ पर भी केक जा रहा है, हमसे जिन्होंने केक मंगाया है वहाँ पर आने वाले सभी लोगों को केक पसंद आना चाहिए, तो फिर जब सबका रिव्यू अच्छा मिलता है ना तो वाकई में बहुत खुशी होती है। देखिए, इस तरह से ना टॉल केक्स के लिए टॉल बॉक्स भी आते हैं, जैसे हम नॉर्मल केक बॉक्स पैक करते हैं ना, ये भी उसी तरह से है। तो मैंने इस तरह से केक भी पैक कर दिया है और केक हमारा ऊपर टच नहीं हो रहा है तो केक हमारा ख़राब नहीं होगा। कैंडल, बर्थडे टैग और नाइफ मैंने अलग से रख कर दे दिया था, और ये रही कुछ बर्थडे पार्टी की फोटोज़। इस केक को मैंने 1800 चार्ज किया था, कैसा लगा केक कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हर हर महादेव।